फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा मिर्च। उसके लिए मैंने एक कटोरी ले लिया है बेसन। इसको करेंगे ड्राई रोस्ट बिल्कुल लो फ्लेम पे। मिर्च में जो मसाले हम भरेंगे उसके लिए हम पहले मसाले रेडी कर लेते हैं। बेसन हमारा ड्राई रोस्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। इसको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं। बेसन हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है, एक चम्मच अमचूर पाउडर, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सेंधा नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, दो चम्मच इसके अंदर मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक कटोरी बेसन के लिए इतना मसाला परफेक्ट है। अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ा थोड़ा और मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। मसाला बनके हमारा रेडी है। अब मिर्च को कट कर लेते हैं। मिर्च हमने पहले वॉश करके रख लिया था साफ करके, अब इसको बीच से कट कर लेंगे। इसी तरह सारे मिर्च कट करके मैं रख लूँगी। ये सारे मिर्च हमारे कट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मसाले फिलअप कर देते हैं, एक एक करके मैं सारे मिर्चों में मसाले भर दूँगी। सारे मसाले मैंने भर दिए मिर्चों में। अब एक पैन ले लेते हैं। पैन में ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं। ऑयल हमारा हीट हो चुका है। अब इसके अंदर जो मिर्च हमने रेडी किए मसाले भर के, अब उसके अंदर डाल देंगे एक एक करके। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। सारे मिर्च मैंने इसके अंदर रख दिए। पहले एक साइड से फ्राई कर लेंगे। अब फॉक की हेल्प से मैं इसको पलट लूँगी सबको धीरे धीरे करके। सर्दी का मौसम आ गया है तो आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल दाल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है ये। जो मसाला हमारा बचा हुआ था इसके ऊपर से मैं ऐड कर रही हूँ। पहले एक साइड से कर देती हूँ, फिर दूसरे साइड से पलट के फिर मसाला ऐड कर दूँगी। एक साइड से हमारा फ्राई हो चुका है अच्छे से, मैं दूसरे साइड पलट लेती हूँ सबको। मिर्च हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हम मैंने इसको एक प्लेट में रख लिया है। आप कलर देख सकते हैं कितना परफेक्ट बन के रेडी हुआ है ये। खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आपको मेरी भरवे मिर्च की रेसिपी की कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, बाय बाय।